हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सो नाउ इट्स फाइनली कंफर्म कि इट्स नॉट ए सी इंडिया इट्स द ओनली आई इंडिया इट्स जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान सक्सेसफुली एशिया कप को होस्ट करे जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने मुल्तान एन कदाफी स्टेडियम लाहौर में नेपाल अफगानिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका पाकिस्तान सबके हंड्रेड परसेंट रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस होस्ट करके प्रूव करा दिया कि एशिया कप के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए थे नो रेन नो डिले इशूज हंड्रेड परसेंट फिफ्टी ओवर्स खेलने को मिलते थे सारे मैचेस यहाँ पे सक्सेसफुली होस्ट हो गए कल आखिरी मैच भी हो जाए ए वन वर्स बी टू के दरमियान विच इज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश ऑन अदर हैंड कैंडी में तीन मैच हुए जिसमें से दो में बारिश हो गई एक में तो पूरा मैच ही खराब हो गया पाकिस्तान इंडिया का इतने लोग गए शौक से देखने के लिए और दूसरा भी बारिश के नजर हो गया सारे ओवर कम्पलीट ही नहीं हुए इन शॉर्ट एशिया कप के ग्रुप स्टेजेस का सारा मजा खराब कर दिया और इवन ये सबको पता भी था कि इस सीजन में श्रीलंका में बारिशें होती हैं जब हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हो रहा था उस दौरान भी नजम सेठी ने कई बार बताया कि पहले तो पाकिस्तान में सारा होस्ट कर ले कोई बारिशें नहीं है अगर पाकिस्तान में होस्ट नहीं करना चाहते तो फिर यूएई अमान बहरान उस साइड

शिफ्ट किए जाए तो कल रात तक तो मामला सब ठीक ठाक नजर आ रहे थे लेकिन आज न्यूज निकल के आई कि सिर्फ जय शाह की तरफ से बताया गया कि हम कोई मैच शिफ्ट नहीं कर रहे सुपर राउंड कल से शुरू हो रहा है पाकिस्तान से यहाँ स्टेडियम लाहौर से और बाकी के तमाम तर सारे इवन इंक्लूडिंग फाइनल वो भी कोलम्बो में है और कोलम्बो में मुसलसल बारिश ही बारिश है एक बात मैं आपको बता दू इज्जत और जिल्लत देना ऊपर वाले के हाथ में है जितना भी आप लोग कोशिश कर ले की किस तरह से एशिया कप का मजा खराब हो जाए और पाकिस्तान अच्छे से होस्ट ना कर पाए और किस तरह से बारिश की नजर हो जाए मैचेस और पाकिस्तान इंडिया का जो अगला मैच आ रहा है टेंथ सप्तम्बर को संडे को वो भी आप देख लीजिएगा बारिश की नज़र हो जाएगा अगर मैचेस शिफ्ट ना हुए खैर सुनने में आ रहा है कि पीसीबी ने इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है या आगे के मामला क्या होने वाले इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला वालों पूरी वीडियो देख लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यार इतनी बैक टू बैक वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं आप विदाउट सब्सक्राइब किए वॉ कर रहे होते हैं इस तरह से एक्सक्लूसिवली हमने आपको अपडेट किया था ये सारी प्रिपरेशन जब शुरू हो रही थी सो खैर अब मामला यहाँ तक आ चुके हैं देखें कैंडे पाले के लिए वो स्टोरी तो चले फिनिश हो गई ग्रुप स्टेज मैचेस जैसे भी थे सिर्फ एक मैच ही पूरा हो सका बाकी सारी बारिश की नज़र हो गई लेकिन कोलंबो में मुसलसल बारिश बताई जा रही है अब तक लेट्स होप के अपनी लसोक्रेसी से अगर जय शाह पीछे ना हटे तो कोलंबो में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है वो एक बार पूरा हो हो जाए इनको पता लग जाएगा जाएगा बारिश बारिश के के पीछे ना अगर माइंड में ये है कि अगला पाकिस्तान इंडिया का मैच भी की नजर हो जाएगा, कोई रिजल्ट ना निकल के आए और ये विन और लूज वाली सिचुएशन ना हो तो इसका डर तो यहीं से आपको दिख जाता है भाई कितना आप बारिश के पीछे छुपेंगे उल्टा कल भी मैंने आपको कहा कि अपने पाव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं भाई आगे वर्ल्ड कप आ रहा है उसकी प्रिपरेशन करें क्या बारिश बारिश लगा रखा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ही देख लें इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसी जगह पे मैचेस शिफ्ट करें कि पूरे पूरे मैचेस हो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का पूरा मैच हो आप विन कर लें लेकिन मैच पूरा हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को प्रिपरेशन करनी है आगे वर्ल्ड कप आ रहा है इसका अंदाजा आप इससे ही लगा लें कि ये एशिया कप में जो भी पाकिस्तान का मैच आ रहा होता है उससे एक दिन पहले ही अपना स्टार्टिंग 11 भी अनाउंस कर देते हैं ये स्ट्रेटेजी लेके जो पाकिस्तान चल रही कल है कल के सुपर फोर स्टेज के पहले मैच में ही बांग्लादेश के अगेंस्ट नवाज की जगह फहीम अशरफ को खिला दिया है इससे ही आप सोच रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितना सीरियस है क्रिकेट की प्रिपरेशन को लेकर आगे वर्ल्ड कप को लेकर इंशाल्लाह ये एशिया कप भी विन करेगी लेट्स होप के मैचेस पूरे हों इवन ये इंडिया के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी आप देख लें उनका नेपाल के अगेंस्ट जो मैच हुआ बॉलर्स ने जिस तरह से बॉलिंग की मोहम्मद सिराज को जिस तरह से छक्के पड़े इस बॉलिंग अटैक के साथ अगर आप वर्ल्ड कप में जाएंगे तो मुश्किल है कि आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाए कहने का मकसद ये है कि कल रात तक आप मैचेस यहाँ राजा पक्सा हम बनटो में शिफ्ट कर रहे थे चले दम्बोला में तो वहाँ जो होटल फैसिलिटीज हैं और बाकी फ्लड लाइट्स का जो कह रहे थे कि वो ठीक नहीं है चले समझ आता है लेकिन हम बनटोटा राजा पक्स में तो इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट होती रहती है इवन दम्बोला में भी होती है लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल था कल तक गरीबी हो रहे थे और आज ये न्यूज आ रही है कि जय शाह की तरफ से बताया जा रहा है कि भाई कोई मैचेस शिफ्ट नहीं हो रहे सारे मैचेस कोलंबो में होंगे बारिश हो जो भी हो एशिया कप खराब होता है लेकिन सारे सुपर फोर राउंड के मैचेस यही कोलंबो पर मैदास में ही होस्ट होने हैं ये बात याद रखना ये ही बात है यही बातें आपको एक दिन आपके ऊपर ही आ पड़ेंगी इवन बीसीसीआई की डेलीगेशन आई हुई है उनके प्रेसिडेंट आए हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं राजीव शुक्ला और प्रेसिडेंट रॉजर बे वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की तारीफ कर रहे हैं मैचेस यहाँ पे देख रहे हैं कल रात को डिनर भी उनके लिए किया और गवर्नर हाउस भी गए वो इवन तमाम तरह टीमों को इन्वाइट किया श्रीलंका बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान की टीम भी आई नेपाल को भी इन्वाइट कर देते हैं लेकिन उनकी टीम श्रीलंका गई हुई है इसी हाइब्रिड मॉडल की वजह से जिस तरह से पाकिस्तान ट्रैवल किया बैक टू बैक श्रीलंका से पाकिस्तान पाकिस्तान से श्रीलंका फिर भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है बीच में एक डे आ जाता है आराम करने के लिए फिर प्रैक्टिस वगैरह भी करनी होती है फिर बैक टू बैक फिफ्टी ओवर्स खेल रही है लेकिन जितना आप लोग सता रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उतनी उनकी प्रिपरेशन हो रही है हौसले उनके हाई हैं और आप देख लीजिएगा यही रिजल्ट इनको आने वाले वर्ल्ड कप में मिलेगा और इनशाला देख लेना यही पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट स्टेडियम्स में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करेगा ट्रॉफी से याद आया कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी पाकिस्तान आ चुकी है जो ट्रॉफी टूर दिया जा रहा है फिफ्थ एंड सिक्स सितम्बर तक यहाँ पाकिस्तान में रहेगी और फिर अगली बार जो पाकिस्तान आएगी वो इनशाला ट्वेंटी को आएगी क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल विन करने के बाद लेट्स होप कि फाइनल भी पाकिस्तान इंडिया का तो आए और पता लगे कब तक ये बारिशों के पीछे छुपते रहेंगे मैचेस खराब करते रहेंगे जैसा को भी पता लग गया है कि पाकिस्तान वैसी नंबर वन टीम नहीं है जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही है और ऊपर से मुझे ये समझ नहीं आती कहते कि हम टू का जो टारगेट मिला था ये भी हम डिफेंड कर लेते इस बॉलिंग अटैक के साथ खैर मेरा क्रिटिसाइज करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों इवन सब फैंस चाहते हैं इंडिया के स भी ये चाहते हैं कि पूरे पूरे ओवर्स खेलने को मिले फिर मुकाबला देखने को मिलेगा कि कौन सी टीम अच्छी है बीसीसी पाकिस्तान आया हुआ है एशियन क्रिकेट काउंसिल को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सिर्फ एक बंदे को प्रॉब्लम है और वो आपको पता है उसी ने ये सारा एशिया कप का मजा किया हुआ है लत्सी अब आगे क्या मामला निकल के आते हैं लत्सी पीसीबी की जो इमरजेंसी मीटिंग अरेंज करने की न्यूज आ रही है उसकी क्या रिपोर्ट निकल के आती है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल के आने वाला जब तक तमाम तरह एशियन क्रिकेट बोर्ड खास तौर पर जो टॉप सिक्स बोर्ड्स है यू नेपाल पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान श्रीलंका इवन इंडिया जब तक ये आपस में बैठ के डिसाइड ना करें कि हमें एशियन क्रिकेट काउंसिल को ACC की तरह लेके चलना है ना कि ये क्रिकेट काउंसिल नहीं है बाकी जिन इंडियन सब्सक्राइबर्स को मेरी बातें समझ आती हैं 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 वो एग्री भी करते हैं, वो भी भी करते चाहते कि पूरे 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 ओवर्स मिले मैचेस हों पाकिस्तान इंडिया के इवन मैं खुद भी कहता हूँ इंडिया मैचेस जीत जाए पाकिस्तान से इंडिया विन करें उनकी अच्छी बैटिंग है लेकिन पूरे पूरे फिफ्टी ओवर्स तो खेलने को मिले हमें एक अच्छा कॉन्टेस्ट तो देखने को मिले खाम ये क्रिकेट में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करके फैंस का मजा खिरकि ना करें ये एशिया कप का मजा खराब ना करे बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रिएक्शन आपने देख लिया जिस तरह से उन्होंने होस्ट किया बीसीसीआई की डेलीगेशन टीम को इवन पीसीबी के चेयरमैन ने अपने मीडिया ने जो आग लगा देनी है कि भाई हाथ पकड़ लिया हवा में उठा लिया दोस्ती कर ली और ये विराट कोहली रऊफ के साथ मिल रहे हैं ये हंसी खुशी चल रही है मजाक हो रहा है ये क्यों हो रहा है और फिर उनका वो न्यूज बताने का तरीका थोड़ी सी तीली नीचे लगाते हैं और आग बगोले की तरह न्यूज पेश करते हैं भाई क्या ही कहें बस इंडियन मीडिया का वो बेचारे जो प्रेसिडेंट आए हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट वो भी डर डर के जा रहे होते हैं जहां भी जा रहे हो के कल को कुछ ऐसा कह दिया या ऐसा कोई रिएक्शन दे दिया तो भाई हेडलाइंस चल जानी है क्या यार दुनिया कहाँ पहुंच गई है ग्रो अप करो और आगे बढ़ो तुम तो लोग अभी भी पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया ये पॉलिटिक्स जब तक बीच में आएगी जब तक ये बंदा हटेगा नहीं तब तक ये क्रिकेट में कोई पीस नहीं आने वाला स्पेशली जो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट है इस सब के बावजूद पीसीबी ने जितना अपना हाथ होला रखा है कॉम्प्रोमाइज किया है एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ वरना अब तो फैंस इतना गुस्सा हो गए कि अब तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए कि कल तक अब ये इतना भी कह रहे हैं चले पाकिस्तान ना शिफ्ट करें सुपर फोर राउंड के मैचेस को लम्बो से हम बन तो शिफ्ट कर लें ताकि मैचेस खराब ना हो वरना कदाफी स्टेडियम लाहौर तो रेडी है कोई शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है सिर्फ टीमों को यहाँ ले आओ मैचेस खेल लो यहाँ पे स्टेडियम रेडी है क्या अब हम बन तो राजा पक्सा स्टेडियम में अलग से प्रिपरेशन करेंगे उसको तैयार करेंगे और वो रेडी भी नहीं है ना क्यों टूर्नामेंट को ऐसे ही खराब कर रहे हो आपकी भी प्रिपरेशन हो एगी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की भी हो जाएगी और एक अच्छा कॉन्टेस्ट so हमें तो भी ट्रैवल ना और अपने लिए हाइब्रिड वेन्यू का डिमांड करे अदरवाइज दूसरी साइड आपने देख लिया कि कितना हेट है उनके माइंड में जो एजुकेटेड इंडियंस हैं वो समझते हैं मेरी बातों को आप देख लें किस तरह हॉस्पिटेलिटी के साथ उनको होस्ट किया जा रहा है कोई इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आई सिर्फ उनकी डेलीगेशन टीम आई है जो इनके के इन्विटेशन होती हैं जो क्रिकेट इवेंट्स शुरू होते हैं उससे पहले ये बी सी सी आई भी इन्वाइट करेगा पीसीबी को अगर उन्होंने दिल बढ़ा रखा इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीबी के चेयरमैन तक सिर्फ ये भी कह गए थे अगर बी सी आई इन्वाइट करेगे तो हम भी बिल्कुल खुशी से जाएंगे वहां वर्ल्ड कप मैचेस देखने के लिए तो पीसीबी की तरफ से कोई मसला नहीं है ये सिर्फ एक बंदा है इसको हटाओ सारे मामलात ठीक हो जाए लेट्स ही आगे क्या इफॉर्मेशन निकल के आती है हम आपको बैक टू बैक अपडेट करते रहेंगे आप सोशल मीडिया हम्स पर आगे फॉलो कर लें इस वीडियो के लिए इतना ही इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़